हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज, यानी कि स्टारफिश का वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होगा। यहाँ पे तो वाटर वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, ये ऐसा डायग्राम इसका सिस्टम का होता है। ये हर एक आर्म, जो इसकी पांच आर्म्स होती हैं, उन पांचों की पांचों आर्म्स में ऐसे सप्लाई जाती है वाटर वास्कुलर सिस्टम की। द वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सिलोम। ये एक सिलोम का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ सी वाटर फिल्ड कैनाल्स। अब ये जो कैनाल्स होंगी अलग अलग, इनके अंदर क्या होता है, सी वाटर फिल्ड होता है। हैविंग सर्टेन कॉर्पसल्स, और इनके अंदर कुछ कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती है। इट प्लेज मोस्ट वाइटल रोल इन लोकोमोशन। लोकोमोशन के अंदर ये एक वाइटल रोल प्ले करता है ऑफ द एनिमल एंड कंप्राइजेस। इसके अंदर मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है, जो हम ऑलरेडी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये मैड्रीपोराइट हो गया। मैड्रीपोराइट से स्टोन केनाल इसके अंदर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, स्टोन केनाल होगी। स्टोन केनाल के बाद इसके अंदर रिंग केनाल प्रेजेंट होती है, एंड नेक्स्ट टू रिंग केनाल इसके अंदर रेडियल केनाल प्रेजेंट होती है। ये जो रिंग केनाल थी, इसके बाद ये रेडियल केनाल, सी वाली रेडियल केनाल इसके अंदर होती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये टाइडमेंस बॉडी होती है, ये टाइडमेंस बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड इसके बाद इसके अंदर लेटरल केनाल्स प्रेजेंट होती है, जो कि ये वाली, ये लेटरल केनाल होती है। एंड ये ट्यूब फीट इसके अंदर होते हैं। ये एक ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर एम्पुला, पोडियम, सकर, ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कैसे वाटर इसके अंदर मूव करता है इन सारे अलग अलग केनाल्स के थ्रू। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैड्रीपोराइट होगा, ठीक है। मैड्रीपोराइट ही वाला मैड्रीपोराइट होगा। अब मैड्रीपोराइट के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर जो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये सीव लाइक पोरस प्लेट फॉर्म करता है। अराउंडेड कैलकेरियस प्लेट होती है अकरिंग ऑन द एबोरल सर्फेस। एबोरल सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होती है ऑफ द सेंट्रल डिस्क इन इंटर रेडियल पोजिशन, ठीक है। ये कैसी होती है, इंटर रेडियल इन पोजिशन होती है। इट्स सरफेस बियर अ नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट वेवी ग्रूव फरोज। इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस बियर करता है नैरो स्ट्रेट एंड वेवी ग्रूव्स, जिसको फरोज भी बोलते हैं, ठीक है। वेवी ग्रूव्स और फरोज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमें नजर आ रही है, क्या है, यहाँ पे ग्रूव्स है। ईच फरो कंटेन, यानी कि ग्रूव है या फिर फरो है, ये कंटेन करता है माइन्यूट पोर्स एट इट्स बॉटम। इसके बॉटम के ऊपर यहाँ पे माइन्यूट माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक सीव लाइक अपीयरेंस देती है। ईच पोर लीड्स इनटू अ वेरी शॉर्ट फाइन ट्यूबुलर पोर केनाल। एंड ये क्या करता है, पोर केनाल इसके अंदर होती है, उसके अंदर लीड करते हैं। पोर्स थे, पोर्स क्या करेंगे, पोर केनाल के अंदर लीड करेंगे, पोर केनाल के अंदर लीड करेंगे। विच पासिस इनवॉल्ड इन द सब्सटांसिस ऑफ द मैड्रीपोराइट, जो कि मैड्रीपोराइट के यहाँ पे अंदर ही यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देर मे बी अबाउट 200 पोर्स एंड पोर केनाल्स, ठीक है। 200 पोर्स एंड पोर केनाल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है मैड्रीपोराइट के अंदर। द पोर केनाल्स यूनाइट टू फॉर्म द कलेक्टिंग केनाल। अब ये बहुत सारी पोर केनाल होंगी, जैसे हमने बात की कि ये कम से कम अबाउट 200 पोर और पोर केनाल्स हो सकती है। तो ये पोर्स एंड पोर केनाल्स क्या करेंगे, कलेक्टिंग केनाल के अंदर ओपन होंगे, कलेक्टिंग केनाल के अंदर ओपन हो जाएंगे। विच ओपन इनटू एन एम्पुला बिनेथ द मैड्रीपोराइट। एंड ये किसके अंदर ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा एम्पुला के अंदर। ये मैड्रीपोराइट था, मैड्रीपोराइट के नीचे ये एम्पुला के अंदर ओपन हो गया है। तो पहले पोर्स थे, ठीक है, पोर केनाल के अंदर ओपन हुए, देन ये बहुत सारी पोर केनाल कलेक्टिंग केनाल के अंदर कलेक्ट हो गई, एंड ये एम्पुला के अंदर ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एम्पुला के अंदर ओपन होने के बाद स्टोन केनाल के अंदर जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ पे स्टोन केनाल होगी। तो स्टोन केनाल क्या होती है, द एम्पुला ओपन इनटू एन एस शेप्ड स्टोन केनाल। एक एस शेप की ये स्टोन केनाल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एम्पुला ओपन हो जाता है। द स्टोन केनाल एक्सटेंड डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड्स यानी कि ओरल सरफेस की तरफ क्या करेगी, डाउनवर्ड जाएगी, एक्सटेंड करेगी, एंड ओपन्स इनटू अ रिंग केनाल। एंड ये क्या कर जाती है, रिंग केनाल के अंदर ओपन हो जाती है अराउंड द माउथ, जो कि माउथ के अराउंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो नेक्स्ट किसके अंदर होगी, ये रिंग केनाल के अंदर ओपन हो गई है। द वॉल्स ऑफ द स्टोन केनाल आर सपोर्टेड बाई अ सीरीज ऑफ कैलकेरियस
रिंग्स, एंड जो वॉल होगी स्टोन केनाल की, ठीक है, स्टोन केनाल की वॉल होगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कैलकेरियस रिंग प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से इसका नाम स्टोन केनाल होता है. द ल्यूमन ऑफ द स्टोन केनाल इज लाइंड बाई वेरी टॉल फ्लैजिलेटेड सेल्स, एंड इसकी जो इसका जो ल्यूमन होगा, इसकी जो अंदर की साइड होगी, वहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी, वेरी टॉल फ्लैजिलेटेड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. इसके बाद नेक्स्ट ये रिंग केनाल के अंदर ओपन हो जाएगा. रिंग केनाल जो है ऑफ वॉटर रिंग इज लोकेटेड टू द इनर साइड ऑफ द पेरिस्टोमियल रिंग. रिंग केनाल कहाँ लाई करती है, जो इसका पेरिस्टोमियल रिंग है उसके अंदर लाई करती है, उसके इनर साइड ये लोकेट करती है, ऑफ द ओसिकल डायरेक्टली अबाउ टू द हाइपोन्यूरल रिंग साइनस. एंड यहाँ पे एक साइनस प्रेजेंट होता है, हाइपोन्यूरल रिंग साइनस, उस तक ये क्या होती है, उसके डायरेक्टली अबाउ होती है, उस तक ये प्रेजेंट होती है, हाइपोन्यूरल रिंग साइनस तक, रिंग केनाल. इट इज़ वाइड इन पेंटागोनल और फाइव साइडेड. ठीक है, ये कैसी होती है, वाइड होती है और ये पेंटागोनल होती है. ठीक है, ये कैसी होती है, पेंटागोनल होती है और इसकी पांच साइड होती है. इसके बाद ये ओपन हो जाएंगे इन टाइडमेंस बॉडीज के अंदर. तो टाइडमेंस बॉडी जो है रिंग केनाल्स गिव्स आउट इंटररेडली नाइन स्मॉल येलोइस इररेगुलर राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज गिव राइज करती है, जिनको रेसिमोस और टाइडमेंस बॉडी बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे नाइन ही नंबर होती है, ये क्या होती है, टाइडमेन बॉडीज होती है. फ्रॉम इट्स इनर मार्जिन, ये जो ये रिंग केनाल थी इसके इनर मार्जिन में ये प्रेजेंट होती है. द टाइडमेन्स बॉडी रेस्ट अपॉन द पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ओसिकल, एंड ये किसके ऊपर रेस्ट करती है, ये प्रेजेंट होती है अबव द पेरिस्टोमियल रिंग जो थी ओसिकल्स की, उसके ऊपर. द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ टाइडमेन्स बॉडी स्टिल अननोन, हाउएवर दे आर सपोज टू बी लिम्फेटिक ग्लैंड. ठीक है, इनको सपोज किया जाता है कि लिम्फेटिक ग्लैंड है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर बॉडीज होती है. टू मैन्युफैक्चर द अमीबोसाइट्स ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर सी वाटर एंड कुछ कॉर्पसल्स होती है, तो ये जो अमीबोसाइट्स हैं, कॉर्पसल्स जो हैं, अमीबोसाइट्स हैं, ये इस लिम्फेटिक ग्लैंड से मैन्युफैक्चर की जाती है, ऐसा माना जाता है. नेक्स्ट ये पोलियन वेसिकल के अंदर ओपन हो जाएंगे. तो पोलियन वेसिकल जो यहाँ पे होता है, द रिंग केनाल गिव्स ऑफ एन इट्स इनर साइड इन इंटर रेडियल पोजिशन वन टू फोर लिटल पियर शेप थिन वॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लैडर और रिजर्वोयर. ठीक है, ये क्या करता है, ब्लैडर और रिजर्वोयर गिव राइज करता है विद लॉन्ग नेक कॉल्ड पोलियन वेसिकल, एंड इनको ही क्या बोला जाता है, पोलियन वेसिकल्स बोला जाता है. दे आर सपोज टू रेगुलेट प्रेशर इनसाइड द एम्बुलेक्रल सिस्टम. ठीक है, ये सपोज किया जाता है कि जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है, इसके एम्बुलेक्रल सिस्टम का प्रेशर रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये रिजर्वोयर और ब्लैडर होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, तो कब इसको ओपन करना है, इसका जो प्रेशर है उसको ये मेंटेन करके रखेगा, रेगुलेट करके रखेगा. एंड टू मैन्युफैक्चर अमीबोइड सेल्स ऑफ द एम्बुलेक्रल सिस्टम, एंड एम्बुलेक्रल सिस्टम की जो अमीबोइड सेल्स हैं वो भी यही मैन्युफैक्चर करता है, पोलियन वेसिकल. नेक्स्ट रेडियल केनाल होगी यहाँ पे. रेडियल केनाल जो होती है गिव्स इट फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस ऑफ द रिंग केनाल, रिंग केनाल के आउटर सरफेस से. ठीक है, इसके यहाँ आउटर सरफेस से ही गिव्स अ रेडियल वाटर केनाल इनटू ईच आर्म, हर एक आर्म के अंदर ये क्या होती है, यहाँ पे एक एक रेडियल केनाल गिव राइज होती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द आर्म, और ये लेंथ के थ्रू आउट द आर्म प्रेजेंट होती है, एंड टर्मिनेट एज द ल्यूमन ऑफ द टर्मिनल टेंटिकल. एंड ये कैसे टर्मिनेट होती है, जो ल्यूमन होता है टर्मिनल टेंटिकल का, टर्मिनल टेंटिकल का ल्यूमन जो होगा उसके अंदर ये टर्मिनेट हो जाती है. इन द आर्म ऑफ द रेडियल वॉटर केनाल रन्स इमीजिएटली टू द ओरल साइड ऑफ द एम्बुलेक्रल मसल्स, एंड जो इसकी एक आर्म होगी, एक आर्म के अंदर जो रेडियल वॉटर केनाल होगी वो ओरल साइड तक जाएगी टू द एम्बुलेक्रल मसल्स. ठीक है, ये ओरल साइड तक जाएगी.
इसके बाद ये लेटरल केनाल के अंदर ओपन हो जाएगी। ये वाली क्या है यहाँ पे, लेटरल केनाल्स है। लेटरल केनाल्स जो होती है यहाँ पे, इन ईच आर्म द रेडियल केनाल गिव्स आउट ऑफ टू सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांचेस, जिनको रेडियल और पोडियल केनाल बोला जाता है। ठीक है, लेटरल दो लेटरली गिव राइज होती है, दो सीरीज होती है, एक ये हो गई, ये एक एक ये हो गई एंड एक ये होगी। दो सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, नैरो ट्रांसवर्स ब्रांचेज होती है, इनको लेटरल और पोडियल केनाल बोला जाता है। ईच लेटरल केनाल इज अटैच टू द बेस, बेस से ही अटैच होती है ऑफ अ ट्यूब फीट। ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट का जो बेस है, ट्यूब फीट के अंदर अब यहाँ पे एम्पूला प्रेजेंट होता है, पोडियम होता है, सकर होता है, और ये पोडियल हो गया यहाँ पे, जो पोडियल केनाल होती है। तो इसके इसका जो टू फीट का बेस है वहां पे अटैच होती है, प्रोवाइड वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फ्लूड इनटू द रेडियल कैनाल। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है, ये वॉल क्या करेगी, इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करके रखेगी। ठीक है, यहाँ पे इसका बैक फ्लो ना हो वापिस से रेडियल कैनाल के अंदर, इसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करके रखेगी। नेक्स्ट है ये ट्यूब फिट। ट्यूब फिट जो होते हैं, फोर रोज ऑफ ट्यूब फिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है इन ईच एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर। अ ट्यूब फिट और पोडियम इज अ होलो इलास्टिक थिन वॉल्ड क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सैक लाइक अपर्चर होती है। ठीक है, होलो होता है, इलास्टिक थिन वॉल्ड का होता है, क्लोज सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, हैविंग एन अपर सैक लाइक एम्पूला, अपर सैक एम्पूला बोलेंगे, देन मिडल ट्यूबुलर पोडियम प्रेजेंट होगा एंड लोअर डिस्क, यहाँ पे एक सक्कर, यहाँ पे लोअर डिस्क प्रेजेंट होगी। द एम्पूला लाइज विद इन द आर्म प्रोजेक्टिंग इन टू द सिलोम, एंड ये क्या करता है, सिलोम के अंदर लाई करता है जो एम्पूला है, अबव द एम्बुलेक्रल पोर विच इज अ गैप बिटवीन द एडजेसेंट एम्बुलेक्रल ओसिकल फॉर द पैसेज ऑफ द पोडियम। पोडियम के पैसेज के लिए क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं, ताकि इसमें से यहाँ पे पैसेज हो जाए इन एम्बुलेक्रल ओसिकल्स का। तो ये क्या करता है, एम्पूला जो है सिलोम के अंदर लाई करता है एम्बुलेक्रल पोर के अबाउ। टू फीट आर चीफ लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं एस्ट्रियाज के। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इनके थ्रू ही क्या होगा, अब वाटर के साथ ऑक्सीजन भी आएगी एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, टू फीट है तो ये लोकोमोशन में भी यहाँ पे हेल्प। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट मैड्रीपोराइट्स था, मैड्रीपोराइट के अंदर पोर्स एंड पोर केनाल्स थी जो कि कलेक्टिंग केनाल के अंदर ओपन हो रही थी, देन ये एम्पूला के अंदर ओपन होती है, ये मैड्रीपोरिक केनाल होती है जिसको स्टोन केनाल बोलते हैं, इसको ही स्टोन केनाल बोला जाता है। स्टोन केनाल से नेक्स्ट यहाँ पे आई इन इसके अंदर रिंग एम्बुलेक्रल वेसल्स के अंदर आई, देन टाइडमेंस बॉडी के अंदर आई, देन रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल के अंदर आई, फिर ये चली गई यहाँ पे जो इसकी लेटरल या फिर पोडियल केनाल थी उसके अंदर चली गई, एंड देन ये ट्यूब फीट के अंदर चली गई, वहाँ से सिलोम के अंदर चली गई जो कि एम्बुलेक्रल पोर के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।